भूपेंद्र हुड्डा तो पूर्ण रूप से भाजपा का एजेंट है, ये मेरे कहने की जरूरत नहीं है, ये उसने साबित कर रखा है कि वो एजेंट के रूप में काम करते हैं। दोस्तों नमस्कार। हरियाणा के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी के जो गठबंधन की चर्चाएं चल रही थी, आज वो पूरी हो गई। बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल का हरियाणा में गठबंधन हो गया। दोनों पार्टियों ने गठबंधन की घोषणा के साथ ही जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अभय सिंह चौटाला थे, आकाश आनंद यानी कि मायावती जी के भतीजे और जो उत्तराधिकारी हैं राजनीतिक उनके, वो भी थे और आकाश आनंद के पिता भी थे, रामपाल माजरा भी थे, इनेलो और बसपा के और नेता भी थे। बैठक के अंदर तय हो गया कि 53 सीटों पर 53 इंडियन नेशनल लोकदल लड़ेगी और बाकी की सीटों पर यानी कि 37 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी का हाथी घूमेगा। बैठक के अंदर ये भी तय हो गया कि जो गठबंधन के नेता हैं वो अभय सिंह चौटाला होंगे, यानी कि अगर गठबंधन की सरकार बनी तो हरियाणा के मुख्यमंत्री अभय सिंह चौटाला होंगे। बैठक के अंदर और भी कई बातें तय हुई, जैसे 7500 रुपये महीना पेंशन। बैठक के अंदर तय हुआ कि एससी एसटी के लिए अलग अलग प्रकार की सुविधाएं, युवाओं के लिए सुविधाएं, कौशल विकास वाला जो सिस्टम है वो सारा खत्म करना, पोर्टल बंद करना, यानी कि सरकार अगर बनती है तो क्या क्या होगा। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो सरकार बनने के बाद, गठबंधन की सत्ता आने के बाद बनता, उसको पहले ही डिक्लेयर कर दिया गया, उसको पहले ही तय कर दिया गया। अब दोस्तों चर्चा ये है कि ये गठबंधन कितना चलेगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के जो गठबंधन होते हैं वो कई बार चुनाव पूर्व दम तोड़ जाते हैं। अगर मैं आपसे हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी के अभी तक समझौते तो बहुत हुए लेकिन वो चुनाव तक नहीं चले। ये जरूर है कि एक समझौता बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल का 1998 में जरूर लोकसभा चुनाव तक चला, लेकिन अब आकाश आनंद कह रहे हैं कि ये दो पार्टियों का नहीं, दो परिवारों का, दो विचारधाराओं का मिलन है। सुनिए आकाश आनंद ने क्या बोला था आज। देखिए जैसे आपको पहले बताया था, नहीं देखिए बिल्कुल पहले आपको जैसे बताया था कि जो गठबंधन होता है वो दो फैमिलीज का एक रिश्ता होता है, दो राजनीतिक दलों का एक रिश्ता होता है। जब कोई चीज कंफ्यूजन में रहती है या कोई कंसर्न आती है तो वो आपस में बात करके ही डिसीजन लिया जाता है, तो पहले भी आपस में बात करके डिसीजन लिया था। पर इस बार हमें पूरा भरोसा है, पूरा कॉन्फिडेंस है कि इस बार हम ना ही सारी खाली चुनाव लड़ेंगे बल्कि जबकि सरकार भी बनाएंगे। जी थैंक यू। और कांग्रेस देखे कि उनका क्या काम है पिछले 5 सालों में, जब वो केंद्र की सरकार में रह के भी सरकार नहीं बना पा रहे, केंद्र में भी वो सरकार नहीं बना पा रहे, तो वो उनकी कमियां है अपनी, उनकी कमियां दूसरी पार्टी और दूसरी राजनीतिक दलों पे डालना, ये तो हम भी पलट के बोल सकते हैं कि तुम बीजेपी की बी टीम हो और तभी तुम हम लोगों राजनीतिक जो रीजनल पार्टी है उनको उभरने नहीं देती। तो ये तो बात हुई आकाश आनंद की। अब बात कर लेते हैं आपसे कि ये गठबंधन कितना प्रभावी होगा, गठबंधन का कितना नुकसान कांग्रेस को होगा और कितना भारतीय जनता पार्टी को ये डेंट दे सकता है। गठबंधन के अंदर क्या और पार्टियां भी आएंगी, क्या हरियाणा के अंदर मुकाबले तिकोने हो जाएंगे, ये बहुत सारे सवाल हैं। तो मैं आपको बताऊं कि जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच माना जा रहा था, कहा जा रहा था अभी तक, खासकर लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद, यानी कि 4 जून को जो रिजल्ट आए और 4 जुलाई तक तो चर्चा ही केवल एक थी कि और कोई पार्टी सामने होगी भी या नहीं। इंडियन नेशनल लोकदल, जननायक जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ये पार्टी वो पार्टी, ये कुछ कर भी पाएंगी या नहीं, ये तमाम चर्चाएं थी। और राजनीतिक पंडितों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि हरियाणा के अंदर मुकाबला आमने सामने का रहेगा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच। और 4 जुलाई के बाद घटनाक्रम घूमना शुरू हुआ और फिर उसके बाद में 8 तारीख को मिल करके आए बहन मायावती से अभय सिंह चौटाला, लखनऊ में मुलाकात हुई। मुलाकात हुई, क्या बात हुई, ये बात बाहर आनी शुरू हो गई कि अब गठबंधन होगा। और आज यानी कि 11 तारीख को ये बैठक हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके अंदर में ऐलान हो गया
कि अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में इनेलो और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन चुनाव मैदान में उतरेगा। 53 सीटों पर इनेलो लड़ेगी और 37 सीटों पर लड़ेगी बहुजन समाज पार्टी। इसके साथ ही अभय सिंह चौटाला ने बैठक में कहा, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कि अगर कोई और पार्टी साथ आएगी या जो हमारी विचारधारा के लोग हैं या जो कांग्रेस और भाजपा के खिलाफ चलने वाले लोग हैं, हमें उनसे कोई एतराज़ नहीं है, उनके साथ जुड़ सकते हैं। अब उन पार्टियों में अगर हरियाणा में देखें तो आम आदमी पार्टी आती है। हालांकि अभय सिंह चौटाला आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बारे में कई प्रकार के बयान देते रहे हैं, और अभय सिंह चौटाला एक ऐसे नेता हैं कि वो जो बात उनके मुंह पर होती है वही जुबान पर होती है, वो पीछे रुकती तो है नहीं। अब इसके बाद देखें तो फिर शरद पवार साहब की जो पार्टी के हरियाणा के मुखिया हैं, वो इलेक्शन लड़े थे लोकसभा का और उनको समर्थन था अभय सिंह चौटाला का, वो भी इस गठबंधन में आ सकते हैं। बलराज कुंडू की पार्टी भी इस गठबंधन में आ सकती है क्या? और अभय सिंह चौटाला ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी कि और जो हमारी विचारधारा के राजनीतिक सामाजिक लोग हैं, हम उनके साथ संपर्क करेंगे और उनको साथ जोड़ेंगे। अब बात यह आती है कि ये गठबंधन कितना नुकसान कांग्रेस को और कितना नुकसान भारतीय जनता पार्टी को, नंबर एक। और दूसरी बात यह आती है कि क्या ये गठबंधन केवल वोट कटवा होगा और या फिर कहीं किसी का सत्ता का समीकरण बिगाड़ करके अपना भी बना सकता है। मैं आपको बताऊं कि पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ 2019 का, उस चुनाव के अंदर भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी भिड़ंत की बात कही जाती थी, क्योंकि 2019 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इंडियन नेशनल लोकदल दो हिस्सों में बट गई। एक तरफ हो गई जननायक जनता पार्टी और दूसरी तरफ रह गया देवीलाल जी का पुराना इनेलो। इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता धड़ाधड़ खटाखट खटाखट पहुंच गए जननायक जनता पार्टी में। लोगों को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा हुआ कि किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली और जननायक जनता पार्टी किंग मेकर बनकर आ गई, 10 सीट लेकर के आ गई। अब बात यह आ जाती है कि चौधरी देवीलाल की विचारधारा का वोट, और मैं आपको बताऊं तो जो पिछला भी लोकसभा का हाल में चुनाव हुआ उसके अंदर कांग्रेस के पास जो दो बड़े वोट बैंक थे वो था जाट मतदाता और जाटव मतदाता, यानी कि SC। तो जाटव मतदाता पर आज भी बहुजन समाज पार्टी का, मायावती का पूरा असर है, आप इसे मान लीजिए। हालांकि भीम आर्मी ने, चंद्रशेखर आजाद ने उसमें डेंट तो काफ़ी दिया, लेकिन इस सब के बावजूद भी जो जाटव मतदाता है, खासकर जाटव दलित मतदाताओं में, खासकर जो जाटव वोटर है, वो वोटर पर मायावती की पकड़ आज भी बरकरार है। और उस वोटर पर माने तो 50% के आसपास तक वो वोट आज भी मायावती जी की तरफ देखता है, भले ही हालात कुछ भी रहे हों। और इस चुनाव के अंदर अब जो विधानसभा का चुनाव होना है, अभय सिंह चौटाला आज कह रहे थे कि लोकसभा का चुनाव नेशनल मुद्दों पर था, या तो लोग मोदी के साथ थे या मोदी के विरोध में इंडिया गठबंधन के साथ थे, किसी और पार्टी को देखा ही नहीं। अगर अभय सिंह चौटाला की बात मान लें तो फिर विधानसभा चुनाव में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि दलित मतदाताओं में, खासकर जाटव मतदाता, ये बहुजन समाज पार्टी का कोर वोटर है, और जाटव मतदाताओं ने बहुत बड़ी संख्या में पूरे हरियाणा में कांग्रेस को वोट किया। अगर दूसरा देखें तो फिर जाट मतदाता, इन जाट मतदाताओं ने भी कांग्रेस को अब की बार दबा के खूब भरपूर वोट दिया। अगर आपसे मैं जाट मतदाता की बात करूं तो जाट मतदाता हरियाणा के अंदर अगर पुरानी सियासत देखें तो चौधरी देवीलाल के परिवार और चौधरी बंसीलाल के परिवार के साथ जुड़कर रहा जाट मतदाता। उसके बाद पार्टियों की बात अगर आई तो फिर जाट मतदाता देवीलाल जी की पार्टी जो भी रही हो, इनेलो रही हो, लोकदल, हलोदरा वलोदरा, जो भी तमाम कई नाम, समता पार्टी, कई नाम रहे, या तो उनके साथ हुआ और या फिर कांग्रेस के साथ हुआ। इस लोकसभा चुनाव में जाट मतदाताओं ने, मैंने पहले ही कहा कि भरपूर वोट दिया, लेकिन जाट मतदाताओं के अंदर जो है चौधरी देवीलाल के विचारधारा, चौधरी देवीलाल के परिवार के नेता आज भी उसके मन में बसते हैं, और अगर कहीं मौका लगा तो फिर जाट मतदाता छिटक करके इनेलो की तरफ भी बढ़ सकता है। अगर दोनों में बातें होती हैं, जो भी मतदाता जितना भी छिटकेगा वो नुकसान कांग्रेस को। और भारतीय जनता पार्टी की तो एंटी इनकम्बेंसी है, 10 साल की उनकी सरकार है। अब अगर इसे भारतीय जनता पार्टी के फायदे के रूप में लें या इसे आप किस रूप में ले सकते हैं, लेकिन ये जरूर है
कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो विरोधी मतदाता अगर एक जगह जाना होगा या जाना था, तो अब ये तो मान लिया जाए कि वो एक तरफ इनेलो बसपा गठबंधन और दूसरी तरफ कांग्रेस, वो दोनों में बटेगा। अब अगर इंडियन नेशनल लोकदल के साथ में कहीं आम आदमी पार्टी भी जुड़ जाती है, तो फिर आप मान लें कि शहरों के अंदर आम आदमी पार्टी का कुछ तो असर है। फरीदाबाद की सीट को आप देख लें, फरीदाबाद सिटी की आप सीट को देख लें, आप NIT को देख लें, आप इसके अलावा फिर गुरुग्राम की तरफ चलें, आगे बढ़ें तो आप फिर अन्य अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला, यहाँ पर जाएं, यहाँ पर आम आदमी पार्टी का असर भी है। अगर आम आदमी पार्टी गठबंधन में आ जाती है, क्योंकि आज सॉफ्ट दिखाई दी अभय सिंह चौटाला आम आदमी पार्टी के लिए, अभय सिंह चौटाला का अगर गुस्सा था तो फिर वो कांग्रेस की तरफ था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ था। एक बात उन्होंने बोली भी सही कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आप सुनिए अभय सिंह चौटाला क्या कह रहे थे। तो कांग्रेस की पुरानी आदत है, कांग्रेस जब घबराहट में होती है तो वो इस तरह की बातें जरूर करती है, वो जरूर इस तरह की बातें करती है। ये तो भूपेंद्र हुड्डा तो पूर्ण रूप से भाजपा का एजेंट है, ये मेरे कहने की जरूरत नहीं है, ये उसने साबित कर रखा है कि वो एजेंट के रूप में काम करते हैं। बिल्कुल चलेगा, आप भी दुआएं करें। नहीं नहीं नहीं, हमने सब सब के लिए सारी चीजें रखी है, जो प्रॉमिस किए सारे पूरे करेंगे। तो हुड्डा के प्रति अभय सिंह चौटाला की नाराजगी है, और इधर चले अगर तो फिर कांग्रेस और बीजेपी, अगर इन दोनों से मतदाता छिटकता है तो फिर वो जाता है जो नया गठबंधन बनेगा उसके पास, इनेलो और जो बसपा का गठबंधन बनने जा रहा है। अगर आपसे मैं आगे ये कहूं कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती और भी होगी, क्योंकि जो पलायन और विघटन जो होगा वो इन्हीं दोनों दलों में होगा। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के अंदर एक एक विधानसभा सीट पर 8-8, 5-5, 2-2, 7-7, 10-10 तक कैंडिडेट भी हैं, टिकट किसी एक को मिलेगा, और जो चुनाव लड़ने के इच्छुक होंगे वो फिर बढ़ेंगे BSP और इनेलो की तरफ भी। आज भले ही इनेलो और बसपा के गठबंधन होने के बाद भी या उससे पहले कहीं ये लगता हो कि BSP और इनेलो बहुत कमजोर हो चले हैं, लेकिन जब सियासत पूरा रंग लेगी अपना, जब सियासत पूरा परवान पकड़ पर चलना शुरू हो जाएगी, तो उसके बाद फिर सियासी गतिविधियां, सियासी घटनाक्रम बदलेगा। मगर अगली बात आ जाती है, तो इस स्थिति में अगर एक तरफ वो गठबंधन और इसके अंदर कोई और जुड़ता है या नहीं जुड़ता वो सेकेंडरी रहेगा, लेकिन जब पार्टियों से नेताओं का पलायन होगा, यहां से वहां शुरू होंगे, आप पिछले चुनाव को मैं एक बार फिर आपको बता दूं तो आप नज़ीर मान सकते हैं, 2019 का चुनाव, जिसके अंदर जननायक जनता पार्टी 10 सीट जीत गई, लेकिन जिन सीटों पर जननायक जनता पार्टी सीटी जीती 10 सीट में सीटों पर, उन 10 में से आप माने तो 6 सीटें तो ऐसी हैं कि जहां पर जननायक जनता पार्टी का प्रभाव नहीं था, बल्कि जो प्रभावशाली नेता उनकी पार्टी में आए, चाहे वो देवेंद्र बबली आए, चाहे वो रामकरण काला आए, चाहे वो ईश्वर सिंह आए, चाहे जोगीराम सिहाग आए, चाहे वो सुरजा खेड़ा आए, चाहे रामकुमार गौतम आए, ये 6 नाम तो आप मान लें कि बाहर से आए और आकर के यहाँ पर वो विधायक बने, तो इसका मतलब ये था कि उनका अपना प्रभाव था, अपने प्रभाव को साथ लेकर के आए। अब अगर ऐसा होगा तो फिर, क्योंकि आवागमन तो अब शुरू हो जाएगा पार्टियों के बीच से, तो उस स्थिति में बहुजन समाज पार्टी और इनेलो की तरफ भी लोग बढ़ेंगे, क्योंकि दोनों को 90 सीटों पर प्रत्याशी अपने उतारने ही हैं। इन सबको देखते हुए बात यह आएगी कि भारतीय जनता पार्टी को भी ये गठबंधन, अगर इसके अंदर और पार्टियां शामिल होती है तो भी, और नहीं होती तो भी, कहीं ना कहीं नुकसान देने की स्थिति में तो जाएगा, लेकिन कांग्रेस को ये डेंट ठीक देगा। ऐसा लगता है कि कांग्रेस को इस गठबंधन से नुकसान हो सकता है, और इसलिए कांग्रेस के नेता अपने अलग अलग बयान भी कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो अंतिम सवाल मैंने आपको जो कहा था शुरू करते हुए, वो ये था कि आखिर बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल का ये गठबंधन कितनी महत्वपूर्ण और कितनी बड़ी चुनौती दे पाएगा बीजेपी और कांग्रेस को, निगाहें इस पर होंगी। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या इनेलो और बसपा का गठबंधन हरियाणा की राजनीतिक धुरी पर अपना सिक्का जमा पाएगा? आपको क्या लगता है कि क्या ये गठबंधन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का विकल्प भी बन सकता है? और आपको क्या लगता है कि क्या इस गठबंधन में, यानी कि इनेलो बसपा गठबंधन के अंदर, अभी किसी और पार्टी के आने की भी कोई गुंजाइश है?
कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।